Hello everybody, welcome back to my channel, welcome Canada. I am your well-wisher Meenakshi Sharma and today's topic is related to Nuance Report. When you want to start your business in Canada, then first you have to reserve your business name and then you have to register your business in Canada. So today's topic is related to Nuance Report or reservation of your business name in Canada for starting your business in Canada. So dear viewers, before reserve your business name under Nuance Report, you have to choose the unique business name, right? So this is the second part of the series how to start a business in Canada. तो अगर आप direct यहाँ पर आ गए हो Nuance Report पे तो it's my highly request to you go and first watch the first part of this series how to start a business in Canada, then come here, right? सो डियर व्यूवर्स, Nuance Report के लिए आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट पर जाकर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पर क्लिक करके, स्टार्टिंग अ बिजनेस पर क्लिक करके, देन चूजिंग अ बिजनेस नेम पर क्लिक करके आप Nuance Report पर पहुंच जाओगे. देन हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व योर बिजनेस नेम, इट टेक हार्डली 10 टू 15 मिनट्स. हाउ मच डज इट कॉस्ट, इट्स कॉस्ट अप टू $13.80, इट्स वेरी चीप. सो माई फ्रेंड्स, अगर आप किसी दे थल्ले कम करते हो उस दे चंगा हैगा कि तुसी अपना बिजनेस शुरू करो, राइट? क्योंकि देखो जो जेड़ा मज़ा अपने बिजनेस से आता है, जितनी तुसी हार्ड लेबर किसी दे थल्ले कम करते हो वही टाइम जे तुसी अपने बिजनेस से चलाओगे तो किन्ना फ़ायदा है तुहानू, है ना? तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू वॉन्ट टू कम हियर इन कैनेडा एंड वॉन्ट टू गेट अ जॉब अंडर एनी पर्सन, सो स्किप दिस and try to make your business for yourself and for your family, okay? Hit the screen carefully, enter proposed name of corporation की जो भी आपने नाम choose किया आप यहाँ पर इसको enter करोगे उस name को, like XYZ or ABC or New Deal, Lemon, it's totally up to you कि आप, but it should be considered that your business name should be unique. और यहाँ पर आपको INC, CO, RP और Limited को नहीं put up करना है, वो आपको registration of business के time पर put up करना है. जैसे आपने देखा है कि मैंने XYZ को यहाँ पर search किया तो there are lot of companies already in Canada based on this name, okay? तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या शो किया, उन्होंने हमें ये शो किया कि XYZ name से already Canada में बहुत सारी active companies हैं, ठीक है ना? तो that will be the benefit for Nuance Report कि वो हमें पहले ही बता देता है कि आपके लिए suitable name नहीं है, तो आपको ये अपनी company का name जो है वो unique रखना है. इससे already exist हैं यहाँ पे companies, वो province में भी हैं, वो federal भी हैं, ओके? एंड वन थिंग ऑल्सो कीप इन माइंड कि जब आप रजिस्टर करते हो फेडरल कॉरपोरेशन के अंडर, देन यू हैव रिजर्व योर बिजनेस नेम इन टू द एंटायर कैनेडा, ठीक है ना जी? तो आपका जो बिजनेस नेम है वो एंटायर कैनेडा में रिजर्व हो जाता है, आपके अलावा वो नेम कोई और नहीं रख सकता. दैट विल बी द बेनिफिट फॉर Nuance Report, राइट? अगर आप इसी Nuance Report को किसी सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप के अंडर आप अपना एग्जिस्ट बिजनेस के लिए आप Nuance Report कंसिडर करते हो, देन जो आपका बिजनेस नेम होगा वो अप टू स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए ही रिजर्व होगा, ओके? तो जब आप किसी एक्सटेंड करोगे अपने बिजनेस को, जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है, देन यू हैव टू नीड द फेडरल कॉरपोरेशन. तो इट्स टोटली माई एडवाइस टू यू दैट यू हैव टू रिजर्व योर बिजनेस इन अंडर द फेडरल कॉरपोरेशन, ओके? तो हुण असीं उह स्टैप डिस्कस करांगे जिहड़े असीं नूं फॉलो करने पैंदे आ Nuance Report नूं ऑर्डर करन दे टाइम विच, ठीक है ना जी? तो जिहड़ा पहला स्टैप हैगा है, वो हैगा जी प्रपोज अ कॉरपोरेट नेम. दैन यू हैव टू फॉलो द स्टैप सैकेंड, प्रोवाइड कॉरपोरेट नेम डिटेल्स. उसके बाद जी आपने ईमेल एड्रेस को एंटर करना है, दैन तुसीं पे करियोगी जी तुहाडी पेमेंट, दैन ऑबटेन योर Nuance Report. यू हैव टू फॉलो दीज 5 स्टैप्स फॉर ऑर्डरिंग योर Nuance Report, राइट? अब हम इस Nuance Report को हमें कैसे ऑर्डर करना है उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. एंड यू हैव टू फर्स्ट एंटर द यूनिक बिजनेस नेम लाइक दैट कि मैंने यहाँ पे जो है वो मोड बुक जो है ये यूनिक नेम चूज़ किया कि मैं इस नाम से अपना बिजनेस जो है एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ कैनेडा में, राइट? तो हमने मोडबुक को करा, तो यू लुक एट द स्क्रीन, देयर इज इट शोइंग दैट नो एग्जैक्ट मैच फॉर मोडबुक, ठीक है ना? तो Nuance Report हमें क्या कह रही है कि देयर विल बी नो एग्जिस्ट कंपनी
money in entire Canada at the name of Modbook. So you have to reserve this Modbook name for your business. Okay. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एंटर करा जी, हमें वो मिल गई. देन प्रोवाइड कॉर्पोरेट बिजनेस नेम, ये हमारा आ गया. वेयर विल यू इनकॉर्पोरेट, तो यहाँ आपने कनाडा फेडरली भरना है. दैट विल बी गुड फॉर यू, इट्स माय एडवाइस टू यू, यू हैव टू एंटर कनाडा फेडरली. लाइक Modbook है, इसको रिकमेंड करना है आपने कि हाँ मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ. देन व्हाट इज़ योर बिजनेस एक्टिविटी, कि योर जो आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो वो किसके ऊपर बेस्ड है. लाइक मैंने यहाँ पे बुक शो किया तो मेरा क्या होगा कि इट विल बी बेस्ड ऑन द बुक सप्लाई और ऑफिस सप्लाई और द स्कूल सप्लाईज, ठीक है ना, और द स्टेशनरी आइटम्स, कि मेरा बिजनेस जो है वो बुक से रिलेटेड होगा. तो हमें इसी तरह अगर आप किसी कार से रिलेटेड अपना बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक उस बिजनेस की एक्टिविटी के बारे में बताना होगा कि आपका बिजनेस नेम जो है, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसका पर्पस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं. ओके, so we have completed our first step for Nuance report. So if you like my videos and like my contents related to Canada, so please subscribe my channel. It will be beneficial for me and you also. So move forward to the next step. तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, आपने देखा कि मैंने अभी इसको रिकमेंड नहीं किया. ये मैं मिस्टेक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप अपनी Nuance report को फिल करोगे, एट दैट टाइम यू फेस दीज डिफ़िकल्टीज. ओके, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रिकमेंड करे बगैर एंटर किया, तो उन्होंने क्या शो किया कि यहाँ पे एरर आ रहा है, आपने इस Modbook को रिकमेंड नहीं किया है. सेलेक्ट एट लीस्ट वन डिस्टिंग्विश्ड टर्म टू कॉन्टिन्यू, ठीक है ना, कि जो आपने एक पर्टिकुलर नेम सजेस्ट किया है अपने बिजनेस के लिए, उसको आप रिकमेंड करो पहले, ठीक है ना. जैसे ही हमने उसको नेम को हम रिकमेंड करेंगे, तो हमारा प्रोवाइड कॉर्पोरेट नेम डिटेल्स जो हैं वो हमें अपनी फिल करनी है. वहाँ पे हमें अपना नेम, अपना बिजनेस नेम, देन अपना टेलीफोन नंबर, देन अपना ईमेल आईडी, ये सारे हमने वहाँ पे सबमिट करने हैं. अपना एड्रेस, अपना बिजनेस फिजिकल एड्रेस, कि हमारा बिजनेस कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, ये सब कुछ जैसे ही आप फिल करोगे तो वहाँ पे एंटर योर ईमेल एड्रेस आ जाएगा. आप लुक एट द स्क्रीन, देयर इज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर Nuance report, लाइक व्हाट इज़ योर प्रपोज्ड कॉर्पोरेट नेम, Modbook, वेयर विल यू इनकॉर्पोरेट, कैनेडा फेडरली, इस तरह आपने सारा का सारा भरना है. उसके बाद आपने ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, री एंटर करना है. देन उसके बाद आपने $13.80 जो वेरी चीप फी है आपके रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस नेम के लिए, उसकी पेमेंट करनी है. एंड यू हैव टू पेमेंट फॉर दैट फी वाया अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड और डेबिट कार्ड. तो जैसे ही आप ये पेमेंट कर देते हो तो यू हैव टू ऑब्टेन your Nuance report for your reserve your business name. And one thing keep in mind ki ye jo Nuance report hai, it will be valid for only 90 days, right? To jaise hi 19 days ke andar aap apna business registered kar dete ho to aapka jo business name hai wo entire Canada mein reserve ho jata hai. Aur agar aap apne business name ko within 90 days nahi register karwate to aapko dobara se new jo hai Nuance report jo hai wo leni padti hai, ठीक है ना. तो जब भी आप अपना Nuance report के लिए अप्लाई करते हो तो कीप श्योर इन माइंड दैट यू हैव टू रजिस्टर योर बिजनेस विद इन 90 डेज. तो जैसे ही आप इसको देखोगे यहाँ पे, जब आप सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप के लिए Nuance report अप्लाई करते हो तो वो बिजनेस कैटेगरी में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में आती है. और जब आप कॉरपोरेशन के लिए रजिस्टर्ड करते हो अपने बिजनेस को, दैट विल बी शो अंडर द TM. TM मीन्स ट्रेडमार्क. ओके, तो जैसे Nuance report आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऐसी ही आपको मिलती है जब when you reserve your business name in Canada. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखो, किसी के अंडर काम करने से बेटर है कि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करो Canada में. जितने आवर्स आप किसी के अंडर किसी की लेबर में करते हो, वो वही टाइम अगर आप अपने बिजनेस में स्पेंड करते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो. बट इट्स टोटली अप टू यू. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट
your business in Canada, then you have to most welcome to come here and learn everything related to establish business in Canada. In the next video, we will be discuss the register your business in Canada. वहाँ पे क्या होगा कि जो हमने ये नुआंस रिपोर्ट रिजर्व कराई है, इसमें हमें एक नंबर इशू होता है. हमें वहाँ पे जब हम रजिस्टर करते हैं बिजनेस को कनाडा में, उस टाइम पे उस फॉर्म में हमें वो फिल करना होता है. दैट विल बी रिक्वायर्ड. तो अगर आपने नुआंस रिपोर्ट नहीं ली है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर योर बिजनेस इन कनाडा, राइट? तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, गिव मी मोर मोटिवेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. I will make lots of video for you. Please subscribe my channel, hit the bell icon, like, share, comment. Au revoir, goodbye, have a nice day. Au revoir, Miami. Goodbye, my friends.